तो दोस्तों, 2-3 दिन की झमाझम बारिश के साथ मसूरी में काफ़ी बर्फ़ पड़ चुकी है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा मसूरी की बर्फ़ का नज़ारा अपने घर की छत के ऊपर से। उससे पहले मैं जा रहा हूं दुकान के लिए सामान खरीदने, उसके बाद मैं छत से आपको बर्फ़ का नज़ारा दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं बाज़ार दुकान का सामान लेने। तो मैं हूँ महेश शर्मा और आप देख रहे हैं ऑप्टिमम वीडियोज़ देहरादून। तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, इस वक्त बज रहे हैं सुबह के ठीक 7:30 और ठंड का ये आलम है कि टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, यहाँ पर अभी दुकानें भी नहीं खुली हुई हैं। मैं यहाँ पर सामान लेने के लिए आया हूँ और ये जो दुकानें हैं, इन दो दुकानों से मैं सामान लेता हूँ। और ये मेरी 800 खड़ी हुई है, इस 800 में ही मैं अपना सामान ले जाता हूँ दुकान के लिए। तो दोस्तों, ये देखिए बाज़ार अभी सुनसान सा पड़ा है, काफ़ी ठंड हो रही है और यहाँ से भी बर्फ़ का नज़ारा थोड़ा बहुत दिख रहा है। ये देखिए काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है, इस बार शायद सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है मसूरी में। तो दोस्तों, अगर आपका घूमने का प्लान है तो इस वक्त आप आ सकते हैं। और ये देखिए मेरे मुँह से कितनी भाप निकल रही है। और दोस्तों, मेरा मुँह चल रहा है, आप ये मत समझना कि मैं कोई गुटखा खा रहा हूँ। दोस्तों, मैं कभी गुटखा नहीं खाता हूँ, मैं मुख में लौंग चबा रहा हूँ। ये देखिए ठंड के कारण, काफ़ी ज़्यादा ठंड के कारण लौंग चबाने से थोड़ी राहत मिलती है। और ये है मेरी छत का नज़ारा। ये देखिए चारों तरफ कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, चारों तरफ घर ही घर बन गए हैं। पहले और दोस्तों, ये देखिए छत से बर्फ़ का नज़ारा कुछ इस तरह से है। कैमरे से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप वहाँ पर घूमने जाना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छा मौसम बन चुका है वहाँ का देखने लायक। देखिए बर्फ़ चारों तरफ से पड़ी हुई है और इस तरफ ये है मसूरी। और दोस्तों, आगे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर है चकरोता। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आगे भी मेरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।